तो अभी हम बिना पैसों के जा रहे हैं, पता है आप लोगों को। अगर हमारा हिमाचल होता ना, अभी तक हम दोनों पूरे रंग बिरंगे हो गए होते। कैसी लगी आगे स्वाद? एक सेकंड, ये कौन आया? ओह शिट, अदिति का व्लॉग? नो, वो कैसे आ गई? नहीं, वो तो वादे तोड़ देती थी। कह दो कि ये झूठ है। अब अगर आ ही गई है तो ये बोलने के लिए आई है कि आप सभी को बुरा ना मानो, होली है। Whom you favor, let's play holy. Happy होली गाइस। होली, हैप्पी होली। तो मैंने सोचा कि आज तो व्लॉग बना ही देते हैं यार। शाबाश बेटा, बहुत हो गया दीदी, कितने टाइम से रुकी हुई है, कितना रुकेगी। एक्चुअली रुकने का रीजन ये था कि मेरे फेस पर जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना, वो बोरोप्लस के रिएक्शन की वजह से जो दाने दाने बन गए थे, वो इतने ज्यादा बढ़ गए थे फेस पे कि मेरे खुद का मन नहीं कर रहा था कि मैं कैमरा फेस करूँ। मैंने सोचा चलो आज होली का कलर लगा के, वैसे भी फेस तो खराब होना ही है, तो व्लॉग बना ही देते हैं। होली सेलिब्रेट करने के बाद दिखाऊंगी मेरे फेस में और क्या ज्यादा हो गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Few moments later, wish you very very happy Diwali. दिवाली क्यों बोल रही हूँ, अगर आपको देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मेरी लास्ट रील चेक करो। और यार होली है यार, ये लोग सोए हुए हैं, इनको देखो, ये भी वहाँ बेड पे लेटे हुए, दूसरी यहाँ देखो, ये भी चली गई, ये भी, मतलब है ही नहीं, इनको त्योहारों का कोई वैल्यू ही नहीं है, रंग लगाना ही नहीं है। A few minutes later, यार तुम लोगों को पता है, मतलब एज अ गर्ल कितना बड़ा सरदर्दी है कि भाई होली मनाने भी जाना है, कपड़े खराब भी नहीं करने हैं, पर तैयार होके भी जाना है। ये मेरा OOTD है। इन केस अगर मेरे फेस पे होली लग जाता है और कोई मुझे पहचानता नहीं है, तो प्लीज मेरे शर्ट को देखकर पहचान, शर्ट नहीं, टी शर्ट बोलते हैं ना इसको, बहुत बढ़िया, मेरी फोटो देख के पहचान लेना, ठीक है, मैं ही हूँ। और अभी हम जा रहे हैं, तो मेकअप कुछ नहीं किया है, बस फेस पे थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाया है, तो थोड़ा सा यू नो ठीक रहेगा, बट बिल्कुल ही सादा सा चेहरा लग रहा था, तो इसलिए मैंने इयररिंग्स डाल दिए। तो या अभी हम जा रहे हैं, और नेहा भी है यहाँ पे रेडी हो रही है, कहाँ गई नेहा, है यहाँ पे रेडी हो रही है। बट इसके साथ एक दिक्कत हो गई है, इसके फेस पे, यहाँ दिखाती हूँ, हाथ हटाओ बेटा, हाथ हटाओ, चलो 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 चलो, ये इसके फेस पे भी एक पिंपल सा बन गया है, तो उस पर इसने बैंडेज लगाया हुआ है, तो ये इसको ऐसे ही रखेगी। बट हम फिर भी नहीं मानते, हम तो जाएंगे होली खेलेंगे, फिर भी डेडिकेशन देख रहे हो। बट अगर आप लोग बाहर देखोगे ना, तो देखो यार लोग कितने अच्छे से होली मना रहे हैं। छोटे से झोले के साथ हम जा रहे हैं होली मनाने, इसमें कलर है, और ये हमारी नेहा, और ये मेरे को नहीं लेके जा रहे हैं, हम तो बोल रहे चलो, बट दीदी को कुछ काम है बहुत जरूरी, तो इसलिए दीदी नहीं आ सकते। बाय, हैप्पी बर्थडे टू ऑल, हैप्पी दिवाली गाइस, हैप्पी पटाखे छोड़ दिलाना, खुल जा सिम सिम, इतू बितू जिम पतूता, अरे मेरे चुटकी मारने से खुला है यार। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदे। हम जा रहे हैं होली सेलिब्रेट करने विद दिस झोला, और सबसे ज्यादा डर लग रहा है कि फोन को कैसे बचाएंगे, क्योंकि अगर मेरे आईफोन में कलर लग गया ना, तो ये प्रो मैक्स का प्रो प्रो अल्ट्रा प्रो मैक्स बन जाएगा। बट लेट्स सी, लेट्स प्ले होली। अगर आप लोग सामने देखोगे ना, म्यूजिक से अंदाजा लगा लो, सोसाइटी वाले इतना होली खेल रहे हैं, और हम दोनों को बच के जाना है, ये टास्क है हमारे लिए। A few inches later, ऐसे लोग हैं यार, अगर हमारा हिमाचल होता ना, अभी तक हम दोनों पूरे रंग बिरंगे हो गए होते, पता नहीं होली नहीं लगा। राइट नाउ अभी हम लोग हाईवे पे खड़े हैं, और एक भी कैब वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो ऑटो में बैठ के जाना पड़ेगा, तो लेट्स सी कोई ऑटो आती है तो उस पे बैठ के जाते हैं। हमने जाना है पंचकुला सेक्टर 3, मिलते हैं वहाँ पे। सो गाइज, हमारे साथ एक सीन हुआ है। सीन ये है कि इस लड़की को मैंने बोला था, यार देखो पैसे तो ऐसे ही ले जाएंगे या पर्स ले जाएंगे तो संभाल नहीं पाएंगे, और पैसे ऐसे ही रखे तो वो गीले हो जाएंगे, बिकॉज हम जा रहे हैं पूल पार्टी पे। तो दिक्कत ये आई कि पैसे ले जाना था, और इसने क्या किया, अपने दूसरे वाले फ़ोन के कवर के पीछे रख दिया, और दोनों के पास दो दो फ़ोन था, तो हमने एक एक ही फ़ोन ले जाना था, और ये लड़की वो वाला फ़ोन घर पर छोड़ के आ गई और दूसरा फ़ोन लाई जिसमें पैसे नहीं है। और थैंक गॉड हमने जीपे वाला सिस्टम है, तो इसके पास गूगल पे वाला है, मेरा तो दूसरे फोन में था, वो मैंने रख दिया था। तो अभी हम बिना पैसों के जा रहे हैं, पता है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। हम पहुंच गए उस रोड पे जहाँ से अंदर हमको जाना है, वैसे हम जा रहे हैं जिम खाना क्लब में,
और वहाँ का इनविटेशन आया था, वहाँ पर हम पार्टी करेंगे। पार्टी हो रही है भाई, पार्टी हो रही है। लगता है आपको हमको कोई कलर लगाएगा? लेट्स सी। इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी हिम्मत किसमें है कि जो सबसे पहले आके हम दोनों को रंग लगाए। तो हमको कलर लग चुका है, ये लगाया था जिनके थ्रू हम यहाँ पर आए थे, इनवाइट किया था हमें ना विशाल वगैरह, तो और ये हमारा पैंट, और अब हम जा रहे हैं। सेलिब्रेट हो गई है और हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, बट इतना मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। कुछ कुछ क्लिप्स है वो मैंने आप लोगों को दिखा दिए, बट फिलहाल बहुत ज़्यादा थक गए आप लोगों ने देखा, मैंने मड वाला जो हाल किया था ना अपना, बड़ी मुश्किल से धोया है खुद को, पता है, और अभी भी पूरी ऐसे गिली गिली हूँ। तो रूम जाके फ्रेश फ्रेश होते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। एंड क्या नेहा कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी, और आपने तो कीचड़ में खेला है। कीचड़ वाला यार ज्यादा मजा आया, बहुत बहुत अमेजिंग था वो कसम से। बाकी चलो ठीक है, रूम पहुंचते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। बाय। गाइस नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है, हमने पिछले दिन बस उतना ही व्लॉग शूट किया था, वो कैब से आए, उसके बाद फिर हमने फ्रेश हुए, फिर कपड़े वपड़े धोने थे, उसी में मैं बिजी हो गई तो मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। तो जस्ट मुझे याद आया कि क्लोजिंग करनी थी मुझे व्लॉग की, तो यार ये बताना था आप लोगों को कि हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। आई होप आप सभी ने भी दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, पटाखे कम चलाए होंगे, नाक को दूध पिला दिया होगा, और दशहरा अच्छे से खेला ना। हैप्पी जन्माष्टमी। ठीक है, तो अब मैं जा रही हूँ, बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।